जयपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया। मशहूर फिल्म निर्माता केसी बोकड़िया ने जेडी में आवेदन किया था। बोकड़िया ने भूमि आवंटन के लिए दो आवेदन किए, गोल्फ कोर्स और फिल्म सिटी के लिए भूमि लेने के लिए आवेदन किया गया था। प्रोजेक्ट के लिए एक स्थान पर दो अलग अलग भागों में जमीन प्रोजेक्ट के लिए अचरोल के पास चिन्हित की गई थी। 125 से 150 एकड़ भूमि जेडी के साइंस टेक सिटी योजना में प्रस्तावित की गई है भूमि, और इसमें से एक भाग में करीब 80 से 100 एकड़ भूमि जिसका मास्टर प्लान में लैंड यूज रिक्रिएशनल गोल्फ कोर्स के लिए यह भूमि लेने के लिए आवेदन किया गया था, जबकि दूसरे भाग में 40 से 50 एकड़ भूमि जिसका लैंड उस मास्टर प्लान में है और फिल्म सिटी के लिए यह भूमि लेने के लिए आवेदन किया गया था। मेरे साथ में अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? और मशहूर फिल्म निर्माता केसी बोकड़िया ने इन्होंने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया था कि एक फिल्म यहाँ पर जयपुर में फिल्म सिटी को लाना चाह रहे हैं। हालांकि फिल्म सिटी की कवायद हम देखें तो 2004 में भी शुरू की गई थी, उस समय तत्कालीन सरकार की ओर से मुंबई में जाके प्रेजेंटेशन भी दिया गया था, लेकिन वो कवायद परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन अब केसी बोकड़िया ने खुद के स्तर पर इसके निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा को दिया था, उसके बाद ये कवायद आगे बढ़ी थी। जेडीए के जो अधिकारी थे वो केसी बोकड़िया के साथ मौके पर भी गए, जमीन तलाशी गई, तो केसी बोकड़िया को ये जमीन के लिए ये जमीन चिन्हित की गई। और जो संस्थानिक है, क्योंकि वो फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिल्म सिटी खोलना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने जो मास्टर प्लान में जिस लैंड का लैंड यूज संस्थानिक है उसके लिए आवेदन किया है। इसी तरह से जो रिक्रिएशनल है वहां पे गोल्फ कोर्स के लिए आवेदन किया है, क्योंकि गोल्फ कोर्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस हैं, डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशंस हैं, तो उसमें गोल्फ कोर्स के रिलेटेड और भी क्या क्या गतिविधि की जा सकती है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने स्टडी करके ये किया है कि गोल्फ कोर्स के लिए तो रिक्रिएशनल है उसके लिए आवेदन किया है, और जो संस्थानिक है उसके लिए फिल्म सिटी के लिए आवेदन किया है, क्योंकि फिल्म सिटी से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, उसमें रिसोर्ट का भी हो गया और या वहां पे जो कलाकार आएंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था है, सारी चीजें, तो उस लिहाज से इन्होंने काफी मंथन के बाद, क्योंकि इनको करीब महीने भर पहले जेडीए ने कहा था कि जो मास्टर प्लान में लैंड यूज है उसके अनुसार आप अपना प्रस्ताव दें, तो पूरा उन्होंने स्टडी करने के बाद हाल ही में किसी बोकड़े ने जेडीए में आवेदन कर दिया है। अब जो जेडीए की अगली भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक होगी, इसमें इन प्रपोजल्स को रखा जाएगा और मंजूरी के लिए फिर सरकार को भेजा जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।